कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो भाई बहुत अच्छी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। अभी जो आपने क्लिप्स देखी ना, वो है इगास की। इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली। तो अब आप पूछेंगे भाई इगास होता क्या है, और लग तो ये कुछ कुछ दिवाली जैसा ही रहा है, मैं बोल भी रही हूँ बूढ़ी दिवाली, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली जो है वो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व। जी हाँ, जिसे उत्तराखंड में बहुत सालों से मनाया जाता है। और अब ऐसा क्यों होता है, इसे दिवाली बूढ़ी दिवाली क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में इसको लेकर के ना दो कहानियां हैं जो बहुत फेमस हैं, जो सुनने में आती हैं लोकगीतों में भी। तो जो पहली कहानी है वो ये है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी अपना 14 साल का वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या के लोगों ने दीपोत्सव किया, दीप मालाएं जलाई और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब से हम लोग दिवाली मनाते हैं। लेकिन उस वक्त में, उस समय में जो कम्युनिकेशन था उसका कोई सोर्स नहीं था लोगों के पास। एक बात, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लगता था, गाड़ियां नहीं थी, लोग आते जाते नहीं थे उतना। तो अयोध्या की दिवाली की बात कि वहां पे रामचंद्र जी सकुशल वापस आ गए हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, दीपोत्सव किया जा रहा है, ये बात गढ़वाल में उत्तराखंड के पहाड़ों में पहुंचते पहुंचते 11 दिन लग गए। जी हाँ, यानी दिवाली के 11वें दिन लोगों को पता चला कि वहां पे ऐसे उत्सव मनाया जा रहा, रामचंद्र जी वापस आ गए। तो जिस दिन पता चला उत्तराखंड गढ़वाल में, लोगों ने उसी दिन दीपमाला की, दीपोत्सव मनाया और दिवाली मनाई। इसीलिए इसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, यानी दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है इसलिए। और जो दूसरी स्टोरी फेमस है वो ये है कि जो उत्तराखंड के एक बहुत वीर हुए थे, बहुत बड़े, श्री माधव सिंह भंडारी जी, उनकी एक स्टोरी है कि वो एक बार युद्ध करने तिब्बत गए थे अपनी पूरी सेना लेकर के। तो वो बहुत बड़े वीर थे, तो पूरे गांव को भरोसा था कि वो जल्दी युद्ध खत्म करके वापस आ जाएंगे। लेकिन काफी समय बीत गया और वो वापस नहीं आए, ना ही उनकी सेना की कोई खबर आई, और लोग इंतजार करते रह गए। इस बीच काफी सारे त्योहार निकल गए, श्राद्ध हो गए, श्राद्ध भी उत्तराखंड में त्योहारों की तरह मनाए जाते हैं, श्राद्ध हो गया, उसके बाद दिवाली आ गई, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आए, ना ही कोई उनकी खबर आई। लेकिन दिवाली के 11वें दिन, तो जब उनकी खबर नहीं आई तो लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। पूरे गांव, मतलब पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा गढ़वाल शोक में था। लेकिन दिवाली के 11वें दिन माधव सिंह भंडारी पूरी सेना के साथ वापस और आए, और ये पता चला कि वो युद्ध जीत करके आए हैं, तब लोगों ने दिवाली मनाई, उत्सव मनाया, दीपमाला की, जो भी मतलब जिस तरीके से वो मना सकते थे वैसे मनाया। और तभी से ये प्रचलन हुआ कि दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन दिवाली के 11वें दिन बूढ़ी दिवाली यानी कि इगास मनाई जाती है। तो ये दो कहानियां हैं। तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये कहानियां पहले से पता थी या नहीं, या वीडियो देखकर ही पता चली है, और चीटिंग मत कीजिएगा प्लीज। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो लोग नहीं भी जानते उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा पता चले कि भाई क्यों मनाई जाती है इगास। और अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, आप आगे भी देखेंगे कि कुछ लोग एक रस्सी से बंधा हुआ कुछ आग का गोला जैसा, उससे घुमा रहे हैं, उससे डांस कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं भैलो, जो कि पहाड़ों में खेला जाता है। तो इसके पीछे भी जो लॉजिक था वो ये था, क्योंकि उस वक्त पहाड़ों की मिट्टी वैसे भी उस तरह की नहीं होती है कि उससे दिए बनाए जाएं या कुम्हार का काम किया जाए, बहुत कम ऐसा होता था। तो दिए की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती थी, ना ही पटाखे वटाखे उस वक्त होते थे, बहुत अलग तरह की चीजें मिलती थी। तो क्योंकि पहाड़ों में चीड़ की जो लकड़ी होती है, लकड़ी जो जंगल बहुत है, तो लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो उन लकड़ियों को चीर करके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें रस्सी से बांधा जाता था, और उन्हें जलाकर उनके साथ इस तरह से डांस किया जाता था, और उसे भैलो कहते थे। साथ ही मशाल लेकर भी लोग डांस करते थे, और इस तरह से लोग इगास यानी कि बगवाल, बगवाल भी बोलते हैं दिवाली को पहाड़ों में, वो मनाई जाती थी। तो वही एक प्रचलन जिंदा रखने की यहाँ कोशिश हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ समय पहले तक लोग एकदम भूल से गए थे त्योहारों को, पहाड़ के खास करके जो लोक पर्व है, लेकिन अब धीरे धीरे हरेला लोग मना रहे हैं, और इगास इस बार काफी लोगों ने मनाई है, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। तो हमने भी देहरादून में इगास का एक कार्यक्रम किया था, जो संस्था है धात, जिसके साथ में जुड़ी हुई हूँ, धात का ये कार्यक्रम था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से इगास मनाई और बहुत इंजॉय किया सबने। बच्चे भी आए थे हमारे साथ, जो हमारे शैक्षिक सहयोग के बच्चे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से इगास मनाई, और आप सबको भी इगास की बहुत शुभकामनाएं, और अगले साल हो सकेगा तो हम सब मिलकर के इगास मनाएंगे। तो अब आप देखिए इन वीडियोस को कि हमने कैसे इगास मनाई है, कितना इंजॉय किया है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या आपने इगास मनाई है, और इन स्टोरीज के बारे में सुन के आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बाय बाय, टाटा।
चल गोरे जोला सभी यीशु कर साल मिली जुली मनोलाई गास भगवान लगी बड़ी बोर से पीछे तो पीठ पे अरे नहीं नहीं वो ना पता क्या करा उन्होंने वो एक चल ही नहीं रहे थे वो एक जगह रुक गए हां तो तभी ना वो इसमें बहुत ध्यान से खेलना पड़ा मेरा बनाया मैंने देखा ही नहीं तुमने कब किया मैं तब भी आई ये लाइव चलते हैं ना ये कर क्यों नहीं रहे अब वो टूट गई वीडियो वीडियो लगी बड़ी बोर से पीछे तो पीठ पे अरे नहीं नहीं वो ना पता क्या करा उन्होंने वो एक चल ही नहीं रहे थे वो एक जगह रुक गए हां तो तभी ना वो इसमें बहुत ध्यान से खेलना पड़ा मेरा बनाया मैंने देखा ही नहीं तुमने कब किया मैं तब भी आई
लाइव जाते हैं ना, ये कर क्यों नहीं रहे आप? वो टूट गई।